जो नेता मुख्यमंत्री होने के बाद एक पार्टी की तरफ से, बहुत से नेता ऐसा, आपको नाम नहीं बताना चाहता, बहुत से नेता है, अरे भाई उससे बड़ा पोस्ट तुमको और पार्टी क्या देगा? एक मुख्यमंत्री का पद दिया, उससे ज्यादा और क्या देगा आपको? कि सर आपका बैग उगलाया नहीं हूं, आपका कपड़ा तो मैला लग रहा है, एक दिन हो गया, आप क्या पहनेंगे कल? वो बोले आप टेंशन मत लो, मेरे पास है। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा तो अंदर और एक कुर्ता था, तीन कुर्ता पहन के गए थे एक साथ। वो बोले तीन दिन में तीन कुर्ता अंदर ही बदला दूंगा। माननीय श्री ऑनरेबल श्री मुजीबुल्ला खान, श्री मुजीबुल्ला खान जी, 15 मिनट। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आप क्यों और स्पीकर हैं, हम चेक करवा सर, चेक करा, प्लीज चेक करा, यहाँ 6 मिनट रखा हुआ है, प्लीज। मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं आभारी हूँ। बीजू जनता दल के तरफ से मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। सर शुरुआत कहाँ से करूँ ये तो मैं नहीं समझ सक रहा हूँ, क्योंकि मैं जब राज्यसभा आया मेरा बहुत उत्सुकता था कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ जानूंगा। मेरा दुर्भाग्य है कि 2 साल कोरोना में निकल गया, बाकी 2 साल लड़े झगड़ा में निकल गया। मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, एक तरफ से कोई बोलता है तो दूसरे तरफ से कोई टोकता है, जैसा स्कूल्स में होता है, कॉलेज में झगड़ा होता है, ये वही चला है मेरे अध्यक्ष महोदय। तो हम लोग जो नया लोग आते हैं, हम लोग सीखेंगे क्या? बड़ा अजीब सा लगता है, देखते देखते कोरोना के साथ मिला के 4 साल निकल गया, 2 साल बड़ा मुश्किल से है। चलो बोलने का तो मौका मिला, इसीलिए कुछ बोलूँगा। सबसे पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, बड़े विश्वास के साथ कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यह है कि राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन आज जो जमाना है, आज जो दिन है, राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखने का तो मैं तो कहीं पर देख नहीं सक रहा हूं। हर जगह राजनीति ऊपर रहता है। पहले जमाने में लोग राजनीति करते थे, ईमानदारी से राजनीति करते थे अध्यक्ष महोदय। आज जिसका कोई नीति नहीं है वही राजनीति करता है, बिना नीति के राजनीति। अध्यक्ष महोदय, कुछ भारत वर्ष के कुछ पुराने नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिन्होंने राजनीति किया, कैसे शालीनता से किया, कैसे सिंप्लिसिटी से अपना राजनीतिक जीवन पार किया, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानता हूं मैं कहना चाहता हूं। उनमें से एक है चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री। जब वो प्रधानमंत्री बने, मुझे जितना मालूम है, जो मैं जाना हूं पढ़ा हूं, वो एक कृषक के भेष में, एक किसान के भेष में एक पुलिस स्टेशन में जाके पहुंचे और वहां कहे कि मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। तो उस पुलिस स्टेशन वालों को पता नहीं था, जो ये भारत के प्रधानमंत्री है, वो बोला कुछ पैसा निकालो फिर तुम्हारा रिपोर्ट लिखा जाएगा, क्योंकि वो किसान के भेष में थे। उनको बहुत देर तक बैठा दिया गया, फिर जब आगे चल के जब पता चला, धीरे धीरे सबको पता चला कि प्रधानमंत्री खुद आए हुए हैं, तो उनका क्या हालत हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। वो किसान के भेष में जाने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, मैं और क्या कहूं आपको। कर्पूरी ठाकुर जी, वो कितने सरल नेता थे। उपाध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो बिहार से आए हैं। मैंने सुना है
कि 70s में, 70 की दशक में एक उपचुनाव हो रहा था रोहतक एरिया में, हरियाणा एरिया में, तो एक युवा नेता को बोला गया कि कर्पूरी ठाकुर जी ये चुनाव के प्रचार में रहेंगे, आप उन्हें दिल्ली से जाके लेके आओ। तो वो युवा नेता दिल्ली आके पहुंचे, बिहार भवन में कर्पूरी ठाकुर जी से मिले। कर्पूरी ठाकुर जी ने पूछा, गाड़ी उड़ी लाए हो? ये युवा नेता के पास गाड़ी कहाँ था, ये बेचारा तो बस में गया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं तो नहीं लाया हूं। तो बोला चलो मिल के बस में चलते हैं। बोला सर आपका गाड़ी नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी बोले नहीं मेरा गाड़ी नहीं है। वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बस में चढ़ गए। वो बस में उस दिन ज्यादा भीड़ थी अध्यक्ष महोदय, बस में खुंदा खुंदी ठेला पेला ऐसा हो रहा था बहुत जोर से, जिसको हम उड़िया में ठेला पेला बोलते हैं। एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तभी ये जो युवा नेता ने कहा कि मैं किसी को बोल देता हूं कि एक्स चीफ मिनिस्टर है, जगह मिल जाएगा। वो बोले नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़े होकर जाऊंगा। दिल्ली से रोहतक तक 70 किलोमीटर वो खड़े होके गए। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद क्या हुआ? 3 दिन का प्रचार में गए थे तो वो युवा नेता ने उनसे पूछा कि सर आपका बैग उग लाया नहीं हूं, आपका कपड़ा तो मैला लग रहा है, एक दिन हो गया, आप क्या पहनेंगे कल? वो बोले आप टेंशन मत लो, मेरे पास है। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा तो अंदर और एक कुर्ता था, 3 कुर्ता पहन के गए थे एक साथ। वो बोले 3 दिन में 3 कुर्ता अंदर ही बदला दूंगा। तो वो महिला वाला कुर्ता अंदर पहने, जो साफ वाला ऊपर रखे। 3रे दिन भी वही किए। वो युवा नेता चकमका गए। आपको जानकर खुशी होगी कि वो जो युवा नेता आज एक राज्यसभा सदस्य है, अभी भी फ्लोर में ग्राउंड में हमारे साथ बैठे हैं। वो होते हैं झांगड़ा जी, आप ही थे ना युवा नेता? बस, तो रामचंद्र झांगड़ा जी वो युवा नेता थे जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ गए थे। तो एक नेता, एक्स चीफ मिनिस्टर, 3 बार ड्रेस पहन के गए थे, 3 ड्रेस एक साथ पहन के गए थे। और आज के नेता लोगों को देखो, सुबह 1, 12 बजे, 1, 2 बजे, 1 शाम को एक ड्रेस चेंज होता है, वो भी चेंज होता है जैकेट के साथ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। दूसरे नेता है हमारे उड़ीसा के नवकृष्ण चौधरी, जो चीफ मिनिस्टर थे। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी सिंपल थे, वो भी बहुत सिंपल थे। नवकृष्ण चौधरी जी का परिवार, उनके बड़े भाई जो थे गोपबंधु चौधरी, उनकी जो पत्नी थी रमा देवी, माँ रमा देवी के नाम से सब जानते हैं, वो महात्मा गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में जोगनी थी। नवकृष्ण चौधरी जी के जो पत्नी थी मालती चौधरी जी, वो संविधान सभा की एक सदस्य थी। उनका बेटा, गोपबंधु चौधरी जी का बेटा मनमोहन चौधरी, जो 7 साल की उम्र में स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करके जेल गए थे, काफी दिन तक वो जेल में थे, इसीलिए उन लोग वो बचपन से पढ़ाई नहीं कर सके, स्कूल का पढ़ाई नहीं कर सके उनका बेटा। लेकिन भविष्य में वो एक बहुत बड़े रिसर्च इन पदार्थ विज्ञान में वो रिसर्च करे, बिना पढ़ाई के, बिना स्कूल जाके। ये पूरा परिवार बहुत सिंपल सिटी में जीते थे। मैंने सुना है एक बार मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी जी ने, उनका पूर्ण बहुमत था विधानसभा में, उनका पूर्ण बहुमत था, लेकिन 2 सदस्य का मत भिन्न था। बहुमत था उनका, लेकिन 2 सदस्य का मत भिन्न था। माने वो नवकृष्ण चौधरी जी को कुछ चीज के लिए अपोच कर रहे थे। वो बोले अगर एक भी सदस्य मेरे को अपोच करेगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के
एक लोकल बस में बैठ के, अनुगुल एक जगह है, एक जिला है हमारे उड़ीसा में, वहाँ बाजी राउत जो स्वाधीनता सेनानी थे, सबसे कम उम्र के बाजी राउत के बारे में शायद बहुत से लोग जानते हैं, जो इंग्रेजों को नया पार कराने के लिए राजी नहीं हुए, इसीलिए कम उम्र में उनको शहीद होना पड़ा था। वो बाजी राउत जी के नाम में एक आश्रम है, उस आश्रम में जाके वो अपना बच्चे लोगों को पढ़ाने का काम किए, चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़ के, चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़े थे। जमाना बहुत बदल गया है अध्यक्ष महोदय, तब उनका बहुमत था लेकिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, बहुमत रहे ना रहे, वो पद छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं। हर जगह ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक पार्टी के बारे में कहना नहीं चाहता, अगर बहुमत नहीं है तो जोगाड़ में लग जाते हैं, इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, इसको भागो, उसको दौड़ो, बड़ा अजीब सा लगता है। ये देख देख के अजीब सा लगता है अध्यक्ष महोदय कि आज सोचिए आप, एक विपक्ष का नेता खड़े होकर भाषण दिया, सरकार के विरुद्ध में बोला, अपना पक्ष रखा, जोरदार बोला, हमने सब ताली बजाए। जब हम बाहर निकल के जाते हैं मीडिया के सामने, वो नेता बोलता है मैं इस्तीफा दे दिया हूं। अरे भाई, आप तो अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के विरोध में बोल रहे थे, अभी इस्तीफा क्यों दिए? पता नहीं इसी के अंदर क्या सेटिंग हो गया, वो इस्तीफा दे दिए। बहुत सा केस ऐसा है अध्यक्ष महोदय, बहुत से राज्य के विधानसभा में ऐसे होता है, बहुत से हमारा पार्लियामेंट्री में भी ऐसी होता है, बहुत से नेता एक पार्टी में मुख्यमंत्री का पद पाने वाले भी नेता, मुझे बड़ा अजीब लगता है अध्यक्ष महोदय। एक पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एक पार्टी, मेरा बीजू जनता दल, मेरे नेता नवीन पटनायक मुझे राज्यसभा भेजे हैं, अपर हाउस भेजे हैं, तो मैं उसका सम्मान करता हूं, मेरा पार्टी का सम्मान करता हूं, मेरे नेता का सम्मान करता हूं, तो मेरा दिल कभी नहीं कहेगा कि मेरे नेता को छोड़ के मैं कहीं जाऊं। लेकिन जो नेता मुख्यमंत्री होने के बाद एक पार्टी की तरफ से, बहुत से नेता ऐसा, आपको नाम नहीं बताना चाहता, बहुत से नेता है, अरे भाई उससे बड़ा पोस्ट तुमको और पार्टी क्या देगा, एक मुख्यमंत्री का पद दिया, उससे ज्यादा और क्या देगा आपको, आप छोड़ के चले जाते हो दूसरा पार्टी में। अभी क्यों जाते हो ये तो भाई वही बता सकते हैं, वो जो छोड़ के जाता है वही बता सकता है कि मजबूरी में गया, डर के गया, कि वो इंसान लालच में गया, कुछ तो एक बात हुई होगी, कुछ तो एक हुई होगी, जैसा कि फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है, कोई भी विलेन बच्चों को किडनैप कर लेता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से आता हूं, इसी तरह अच्छी तरह बोल सक रहा हूं, बच्चों को किडनैप करते हैं, हम लोग जो पिक्चर में देखते हैं, वो बोलते हैं ये काम तुम करो या फिर तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तो मजबूरी से जो हीरो रहता है वो सरेंडर कर जाता है, या फिर वो इंसान को लालच दिया जाता है कोई भी चीज का हो, तब वो सरेंडर कर जाता है या चेंज करता है। तो या तो डर से या भर से, भर से मतलब भरने वाला, वो पैसा भरे, सोना भरे, दौलत भरे, कुछ भी भरे, भर से या डर से, ये दो चीज की वजह से ही आदमी अपना जमीर तक बेच देता है, अपना ईमान बेच देता है। तो करें तो क्या करें हम लोग, मैं बचपन से राजनीति में इसलिए हूं कि मेरा परिवार सब राजनीति में थे,
मैं जब राजनीति में बचपन से मेरा आग्रह था, अध्यक्ष महोदय चेयरमैन साहब आज आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो राजनीति में मेरा आग्रह था, इसीलिए मैं चाहता था बड़े बड़े नेता से कैसा मिल सकूं, बड़े नेता से कैसा मेरा जान पहचान होगा। बचपन से आदत था। मैं जब छोटा था बीजू बाबू से मिला था, क्योंकि मेरे पिताजी बीजू बाबू के साथ काम करते थे, मैं बचपन में बीजू पटनायक के साथ मिला था, मुझे बहुत खुशी लगा बीजू पटनायक जैसा नेता से मैं मिला। सर मेरा 15 मिनट है सर, सर सिर्फ 7 मिनट गया सर, मैं देख देख के कर रहा हूँ सर, नो प्रॉब्लम। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग करेक्टली सर, यू 30 seconds लेफ्ट सर, राउंड अप इट्स अ गुड एड्रेस, आई विल लिसनिंग टू इट सर। तो आज जब मैं एक ग्राउंड रियलिटी से एक सरपंच से आकर राज्यसभा में पहुंचा, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के पास आया, कुछ सीखने का मौका मुझे मिला, कुछ जानने का मौका मिला। मैं सरपंच था, सरपंच से सीधा राज्यसभा आया हूँ, कभी चुनाव नहीं लड़ा, विधानसभा चुनाव मौका ही नहीं मिला मुझे, सरपंच से एक राजनेता के तौर पर आया। तो अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव में जो बोल रहा हूं, उसमें एक लफ्ज था राष्ट्रपति महोदय ने, वो भी हमारे उड़ीसा से हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारा सौभाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति हमारे उड़ीसा से हैं, क्लियर मेजोरिटी वाले सरकार, ऐसा कुछ राष्ट्रपति महोदय ने कहा था। लेकिन मैं जितना जानता हूं 2014 और 2019 में क्लियर मेजोरिटी था, अभी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, अभी गठबंधन का सरकार। श्री राउंड अप सर, 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स सर, कंक्लूड। सर 15 मिनट और है सर ठीक, डोंट लुक एट दैट। आदिवासियों के लिए टू बी करेक्टेड, आदिवासियों के लिए हमारे जो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था, लेकिन हमारे उड़ीसा में 162 ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको कि आदिवासियों में शामिल करना जरूरी है, उन लोग आदिवासी का जो बेनिफिट होता है उसको उन लोग प्राप्त करेंगे। और टोटल बजट सत्र में, टोटल बजट जो राष्ट्रपति महोदय का था, उसमें कहीं पर भी कोई जगह में भी माइनॉरिटी का जिक्र नहीं था। एडी सिंह, तो उसका मतलब श्री एडी सिंह के बारे में, श्री एडी सिंह सर, प्रोफेसर, वन सेकंड, प्रोफेसर मनोज झा for attendance in the house, for presence in the house at 1 PM, this can hardly be a premise. Not present Sri Ravi Chandra Vadi Raju. Sir, you are not concluding. Sabhapati Mahoday ji. One second, Vadi Raju ji. एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए जो बहुत दिन से हम लोग उड़ीसा की तरफ से उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार उसमें ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है, अहिंसा जो शब्द है, जो महात्मा गांधी जी का शब्द है अहिंसा, उसको हमारे संविधान में परम बल में शामिल करने के लिए बहुत दिन से हमारा डिमांड है, इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अहिंसा शब्द को परम बल में शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।